बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई डिश लेके आए हैं पकोड़े। चलते हैं हम अपनी वीडियो के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास एक किलो प्याज कटी हुई रखी हुई है, आधा किलो बेसन है, नमक एक चम्मच, 10 हरी मिर्चें कटी हुई रखी हैं, पुदीना धनिया पुदीना है, लाल कुटी मिर्चें हैं 2 चम्मच, 1 किलो सरसों का तेल है। अब हम इसे आपको बताएंगे। अभी सबसे पहले मैं बेसन छानूंगी। बेसन ये डेली डेली वाला भी होता है ना, जमा होता है, इसको इसमें छान रही हूँ पहले। ये देखें, मैं सबसे पहले मेरे पास ये कुटी मिर्चें रखी है, मैं इसमें मैंने 2 चम्मच कुटी मिर्चें डाली हैं, धनिया पुदीना डाला है, वही मैंने इसके अंदर लहसुन भी कूटे हुए डाले थे कि जो छिलका निकल जाए, और ये हरी मिर्चें हैं कटी हुई मेरे पास, ये मैंने डाली है, नमक। देखें कटी हुई प्याज है, ये मैं पूरी इसके अंदर मिलाऊंगी। ये देखें मैं इसको अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्यों प्याज का पानी भी होता है, इस वजह से ही पकौड़ों में फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इसमें मैंने सोडा वगैरह नहीं डाला है, मैं बहुत सी चीज़ें जिसमें मैं सोडा बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें कि मैंने ना 10 मिनट में बेसन मैंने फेटा है, 10 मिनट तक बेसन फेटा। अब इसको 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद इसके अंदर मैं साबुत धनिया कूट के मिलाऊंगी, और उसके बाद इसके मैं पकोड़े बनाऊंगी। ये देखें मैंने बेसन जो 15 मिनट के लिए बताया था मैंने फेट के रखा, अब इसके अंदर ही मैं जो धनिया भी मैंने कूटा, अभी कूटा हुआ धनिया इसमें डाल ली, और इसको फिर मैं मिला के इसके पकौड़े बनाती हूँ। और ये देखें मेरे पास जो तेल रखा है, सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी। ये देखें ये मैं तेल इसमें डाल रही हूँ, ये सरसों का तेल है। अभी तेल गर्म हो जाता है तो मैं पकौड़े बना लूँ। देखें 5 मिनट हो गए तेल गर्म होते हुए, हम इसमें सबसे पहले चेक करूँगी, देखें ये तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ। ये तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका, अब इसके अंदर है ना पकौड़े डालूंगी, सिलो करके ना डालेंगे जो ये कच्चे नहीं रहे। ये देखें ये हल्के हल्के ब्राउन होने पर आ गएंगे, या मैं इसको जल्दी पलट रही हूँ, जब ये अच्छी तरीके सिक जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, तो इसको मैं निकाल लूँगी। इसको चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी। देखें ये पक्के तैयार हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। नहीं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी मैं और बना रही हूँ, मैंने इसमें और भी डाल दिया। अब मैं इसको
ये देखें पक के तैयार हो चुके हैं, इसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखें अच्छी तरीके से पक गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकौड़े बन गए, बिल्कुल तैयार हैं। चटनी मैंने पहले से बना के रखी थी, साथ में केचप है।